हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने आईफोन में एनालॉग स्टॉपवॉच कैसे यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं टेकी प्रशांत, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं कि आप अपने आईफोन में एनालॉग स्टाइल स्टॉपवॉच कैसे यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको ओपन करनी होगी क्लॉक एप्लीकेशन और इसमें नीचे आपका ऑप्शन है स्टॉपवॉच, स्टॉपवॉच में जाना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी नॉर्मल स्टॉपवॉच जो डिजिटल है वो बताई गई है। तो जनरली आप उसे यूज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो जब स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन आता है लैप वगैरह। लेकिन आपको अगर उसे एनालॉग स्टाइल में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ स्वाइप करना होगा। जैसे आप स्वाइप करेंगे तो ये पूरी जो स्टॉपवॉच है वो एनालॉग स्टाइल हो जाएगी और यहाँ से आप वगैरह लैप वगैरह भी चूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं वैसे आप ये यूज़ कर पाएंगे, लेकिन इसका जो इंटरफेस होगा वो एनालॉग स्टाइल होगा। यहाँ से आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं, फिर से स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप करने के बाद अगर चाहे तो उसे रीसेट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।